आप कुछ खाना चाहते हैं खस्ता एन करारे तो बनाएं आटा के नमक पारे। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, मैजिक किचन विद फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आटा के नमक पारे, चलो चलते हैं, लेट्स गो। मैंने ली हुई है एक परात। परात में हम डालेंगे 2 कटोरी आटा। आप मेजरिंग कप ले सकते हैं, वही आटा जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। मैंने ली हुई है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे से हाथों से क्रश करेंगे, स्वादानुसार नमक, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे घी। घी का हम इसमें प्रयोग 5 से 6 चम्मच करेंगे और मुझे अगर लगेगा कम है तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं घी का प्रयोग कर रही हूँ। और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब इसमें मोयन परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने लिया है 1 छोटा गिलास यानी 1 कप और इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। आप पानी इसमें गुनगुना भी ले सकते हैं। हम इसका एक सख्त डो लगाएंगे। मैंने एक अच्छा और सख्त डो लगा लिया, आप देख सकते हैं। और हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। डो हमारा अच्छा सेट हो गया है। हम इसको हथेली की मदद से और मसल लेंगे। अब हम बनाएंगे इसका रोल। रोल बना के इसके तोड़ेंगे पेड़े। हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे और इसकी बनाएंगे रोटी। रोटी हमें बहुत मोटी या फिर बहुत पतली नहीं बनानी है, रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है। आटा हमारा इतना अच्छा बना हुआ है सख्त डो कि हमें घी या फिर सूखे आटे की ज़रूरत नहीं हो रही है। और अब हम इसको कट करेंगे। आप चाकू से या फिर पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हैं। हम इसकी एजिस कट करेंगे पहले। हम इसको कट कर लेंगे। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे कौन सी रेसिपी चाहिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। और मैंने कढ़ाई में होने रखा है गरम ऑयल। हम इसको ऑयल में रख डालेंगे। ऑयल हमारा गरम है, हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। और हमें इनको अच्छा सेकना है, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकें आप। हम आपको दिखाते हैं, हम तोड़ के दिखा रहे हैं कितनी खस्ता बनी हुई है और इजली टूट रहे हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं, बस कुछ ही ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करना है। आप बहुत अच्छे बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे और खस्ता बने हुए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छे बनते और हेल्दी भी होते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।